हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यू वाला मेरा नाम नानकी बवेजा है बच्चा लोग एंड जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने एक नई सीरीज़ की शुरुआत करी है जिसमें हम इकॉनमी को स्क्रैच से लेके दैट इज जीरो से लेके हंड्रेड तक जितनी भी डिटेल्स चाहिए होती है इन ऑर्डर टू क्रैक फिल्म प्लस मेन्स उसको डिस्कस करेंगे तो हमने सीरीज़ का नाम दिया है इकनॉमी uh, ज़ीरो से हीरो क्यों क्योंकि आप इफ़ नॉट ज़ीरो बट या अभी क्लोज़ टू जीरो है

ठीक है ना एज आई सेड कि इन बिटवीन दी सीरीज जहाँ जहाँ भी जहाँ जहाँ भी प्रिलिम्स के पी वाई क्यूज आए आए जिस भी टॉपिक से जिस भी थीम से उसको डिस्कस करूँगी मेन्स के कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मेन्स की कोई इंपॉर्टेंट थीम हो सकता है आगे चलते हुए हम कुछ आंसर राइटिंग के भी एक दो सेशन बीच में इंक्लूड कर लें राइट प्लस इन दिस सीरीज़ हम क्या कर रहे हैं वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको अलग अलग बुक्स पे भटकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है इसको पढ़ लो एंड यू विल बी सॉर्टेड फॉर योर प्रब्लम्स प्लस मीन्स दैट आई कैन वॉच फॉर ठीक है ना सो so, आज जो हमारी शुरुआत होने वाली है दैट इज़ फॉर दी चैप्टर टू तो चैप्टर टू में हम देखेंगे नेशनल इनकम प्रीवियस चैप्टर जो प्रीवियस सेशन uh, था उसमें हमने लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट सो so, उन सबको हमने देखा था कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले तो ये देखा था कि भाई सब्जेक्ट को पढ़ना ही क्यों पड़ रहा है वाई डिड द सब्जेक्ट इवॉल्व ठीक है ना ये मुसीबत पड़ी क्यों हमारे गले में राइट right? तो इसके बारे में हमने देखा था कि भाई रिसोर्सेज कार्स है इच्छाएं अनेक नहीं रिसोर्सेज एक इच्छाएं अनेक सो दैट इज़ द फिलोसफी बिहाइंड दिस सब्जेक्ट ठीक है ना आज हम शुरुआत करेंगे नेशनल इनकम की अच्छा एक चीज़ और याद आई कि बहुत सारे बच्चे आ, मुझे मैसेज करके पूछते कि मैम ऑप्शनल के नया बैच भी आने वाला है क्या ऑप्शनल हमारा बैच छूट गया था उस टाइम क्या पीडब्ल्यू नया बैच लेके आएगा क्या तो यस उन सारे बच्चों की क्वेरीज़ को आंसर करते हुए येस पी डब्ल्यू अभी अभी रिसेंटली बैच फॉर ऑप्शनल्स लेके Uh, आ रहे हैं दैट इज़ टू पॉइंट ओवरजन ऑफ द ऑप्शनल बैचेज एंड फॉर फॉर द स्टूडेंट्स उसका जो मैंने लिंक uh, है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है वहाँ पर जाके आप आराम से इंफॉर्मेशन को स्क्रॉल थ्रू कीजिए गो थ्रू कीजिए कि क्या क्या आपको ऑप्शनल बैच में प्रोवाइड किया जाएगा कब से ऑप्शनल बैच स्टार्ट हो रहा है सो आई बिलीव अव आपकी जो क्वेरी है विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शनल बैचेज़ दैट विल स्टैंड रिजॉल्ट अभी जो आपकी क्वेरी विच हैज़ नॉट स्टैंड रिजॉल्ट इज़ विद रिस्पेक्ट टू इकॉनमी अब हम उसको स्टार्ट करते हैं ठीक है ना अच्छा सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड जो दो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे मैंने आपको प्रीवियस सेशन में दिए दिए थे विच इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर क्या था जो एड प्रोवाइड करता है आपके प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर को विच मेजरली इनकम पासिस सर्विसेज ठीक है ना तो इसमें से टर्शरी सेक्टर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है इट इज़ इट इज़ दी क्या द करेक्ट आंसर इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ठीक है ना बाकी ये तीनों क्या हैं ये सर्विस सेक्टर विच इज दी सेक्टर से बिलोंग करते हैं देन नेक्स्ट क्वेश्चन बोल सेंट्रल गवर्नमेंट विंग दी ओनली बायर हमने मार्केट स्ट्रक्चर देखा था मार्केट में देआर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट सो सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर रखा है यहाँ पे पर्टिकुलर मार्केट का एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई की मैं कौन से मार्केट की बात कर रही हूँ ठीक है सो सेंट्रल गवर्नमेंट बींग दी ओनली बायर इन द डोमेस्टिक डिफेंस मैनुफैक्चरिंग सेक्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है ना सिंगल बायर एंड मल्टीपल सेलर्स देर वॉज अ सिचुएशन जहाँ पे इज अ सिंगल सेलर एंड मल्टीपल बायर्स ठीक है ना दैट वॉज मनापली ठीक है ना सेलर एक होता है यहाँ पे बायर एक है बाय ख़रीदने वाला एक है जबकि सेलर्स बहुत सारे बैठे हैं तो उसको क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड मोनापसनी दैट इज़ वॉट इज कॉल्ड इज मनोप्सनी सो द ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी नई कहानी विच इज़ नैशनल इनकम से ठीक है सो आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आप सबसे कि स्टूडेंट्स वॉट ड्यू थिंक की जो कुछ कंट्रीज एडवांस्ड है कुछ कंट्रीज पीछे रह जाते हैं सो वॉट इज़ द मेन रीज़न वॉट मेक्स कंट्री रिच और पुअर वॉट डू थिंक वट कुड भी द मेन रीज़न एक बार खुद से सोच के देखो सो द सिम्पलेस्ट आंसर जो आपके निकलेगा सबसे क्रूड फॉर्म में मैम वो डेवलप्ड है अरे सो so, यही तो मैं पूछ रही हूँ कि वो डेवलप बने कैसे क्यों ऐसा हुआ कि हम डेवलपिंग रह गए क्या हमारे पास अच्छा फिर जब आप थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाओगे आपके निकलेगा आंसर मैम उनके पास ना मशीनें अच्छी हैं उनके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं ठीक है, है ना तो मेरा क्वेश्चन अगेन आपसे आएगा कि क्या इंडिया के पास रिसोर्सेज की कमी है इंडिया के पास ओशन रिसोर्सेज इफ़ यू टॉक अबाउट सन लाइट भी है हमारे पास विंड एनर्जी सोर्सेज हैं वी हैव सो मैनी सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स विच आर अवेलेबल इन द कंट्री अफकोर्स कुछ चीज़ें हैं कुछ ऐसे मेटल्स हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है विच वी कैन डेफिनेटली इम्पोर्ट हो तो कोई सी भी कंट्री सेल्फ सफिशेंट नहीं होती है बट वॉट इज़ द मेजर रीज़न वॉट इज़ द मेजर रीज़न अच्छा जैसे टॉक अबाउट अफ्रीकन कंट्रीज़ दे आर सो रिच इन रिसोर्सेज उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं तो वो तो डेवलप नहीं कर पाए उसमें से कुछ कंट्रीज तो लीस डेवलप कंट्रीज हैं ठीक है ना तो ऐसा क्या हुआ कि कुछ कंट्रीज इतने डेवलप कर गए इतने प्रोग्रेस कर गए कुछ कंट्रीज़ पीछे रह गए सो वॉट मेक्स कंट्री रिच और पुअर इज़ इट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स नो इट इज़ नॉट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स हैड इट बीन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज देन एफ्रीकन कंट्रीज बहुत ज़्यादा रिच होती देन वॉट then what? so the answer is it is not the availability of resources that makes or decides the fate of any country. theek hai na kisi bhi country का growth path ये इस basis पे decide नहीं होगा कि उसके पास natural resources कितने हैं। it will be decided on the basis कि उसके पास जो वो resources हैं उनकी processing कैसे कर रहा है जो resources हैं। अब हमारे यहाँ पे fishes बहुत ज़्यादा अबंडेंस में है ठीक है ना अब अब अगर हमारे पास उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ ही नहीं है कि उस फिश के हम कोई प्रोडक्ट बना के या फिश की अच्छी मेडिसिन बना के बाहर एक्सपोर्ट कर सकें पहले तो अपने कंट्री में सप्लाई कर सके और बाहर एक्सपोर्ट कर सके ताकि वहाँ से भी पैसा आए तो वो जो फिश रिसोर्सेज है जो फिशरीज़ है जो ओशन लाइन है हमारी कंट्री की दैट इज़ ऑफ नो यूज़ टू अस दैट इज़ ऑफ नो यूज टू मी मैं अपने मेरे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल्स अवेलेबल है दर इज़ ब्लैक सॉइल दर इज एलिवल सॉइल देर इज रेगर सॉइल ठीक है ना अलग अलग क्लाइमेटिक टेम्परेचर्स भी हैं मेरे पास ठीक है ना अब मैं अगर उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रही ठीक है ना सॉयल इज़ ऑल्सो रिसोर्स जिसमें आप पेड़ पौधे उगाते हो अब मैं उसे यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही हूँ तो किसकी गलती रिसोर्स तो दिए थे भगवान ने दिमाग तो तुम लोगों को दिया था चौबीस घंटे भी दिए थे अब अगर तुम उसको ठीक से नहीं यूटिलाइज़ कर पा रहे हो तो इसमें किसकी गलती भगवान ने भगवान कहेगा मैंने टॉपर को भी दिमाग दिया था तुम्हें भी दिया था ठीक है ना तुम्हें भी चौबीस घंटे दिए थे उसको भी दिए थे तुम्हें भी पीडब्ल्यू क्लासेस दी थी उसको भी दी थी फिर फ़र्क कहाँ आया फ़र्क आया कि कैसे एक स्टूडेंट ने चीज़ें समझी और उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जगह जगह तो सिलेक्शन हो गया वेर एज द अदर स्टूडेंट कुडेंट डू दैट कूडेंट कॉम्प्रीहेंड द थिंग्स दैट वेरी वेल राइट सो सेम विद द कंट्रीज एज वेल किस तरीके से कंट्रीज उन रिसोर्सेज की प्रोसेसिंग करके ठीक है ना कैसे उनको ट्रांसफॉर्म करती है दैट इज़ वॉट डिसाइड्स कि हाउ रिच अ कंट्री और हाउ पुअर अ कंट्री विल बिकम ठीक है ना हाउ द प्रोडक्शन प्रोसेस लीड्स टू द जनरेशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ ठीक है ना प्रोडक्शन प्रोसेस किस तरीके से हम रॉ मटेरियल किस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्स को एक अच्छे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं सो so दैट उसकी हम अच्छी कीमत लगवा सकें मार्केट में दैट इज़ वॉट विल डिसाइड जैसे जापान है जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेस कहाँ हैं इतने ज़्यादा बल्कि वहाँ तो बुकम आए रहते हैं आए दिन फिर भी उसी जापान इज अ डेवलप कंट्री कितना आगे गए हमसे लुक एट द मशीनरी दैट दे हैव फार 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 मोर सुपीरियर देन वॉट इंडिया हैव जबकि इंडिया के पास फार बेटर नेचुरल रिसोर्स है दिन जापैन फिर भी वो हमें कैसे पछाड़ गए बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड ऑन ह्यूमन कैपिटल दे हैव इन्वेस्टेड ऑन देर ह्यूमन्स कि भाई ये इन ह्यूम है इनको एजुकेट करो इनके दिमाग खुलेंगे हो सकता है बेटर किताबें पढ़ेंगे बेटर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे एंड दे विल क्रिएट मोर बेटर प्रोडक्ट्स फॉर अस एंड येस नाउ दैट इज़ रीपिंग फ्रूट्स फॉर देर ठीक है सो वॉट मेक्स कंट्री रिच और पुअर अच्छा हमने स्टार्ट अगर आपको याद है कहाँ से किया था नैशनल इनकम तो आप कहोगे मैम नेशनल इनकम इतना दिमाग में डर बैठा हुआ है अब लग रहा है आपको प, आप कितनी कितनी जेनरिक बातें कर रहे हैं हम कितनी ही जेनरिक बातें कर रहे हैं हम बस यही जेनरिक जेनरिक इकॉनमी है ठीक है चलो अब किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ फैक्टर्स कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होती है हमें ठीक है ना तो अब वो जो कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं उन्हीं चीज़ों को इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोला हुआ है ठीक है ना जैसे हमने पिछली क्लास में वो शायद जूस की दुकान खोली थी अब तनी तो मोमो की दुकान खोली थी आई डोंट रिमेम्बर इन दोनों से क्या खोला था ठीक है ना तो अब वो मान लीजिए जूस की दुकान खोली ठीक है तो वो जूस की दुकान खोलने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए लैंड चाहिए लैंड हो सकता मतलब लैंड इज़ वॉट लैंड का मतलब ज़मीन का खाली टुकड़ा नहीं हो सकता है कोई बिल्डिंग में एक दुकान या हो सकता है आ, कोई रेस्टोरेंट मतलब स्पेस चाहिए लैंड चाहिए ज़मीन चाहिए मुझे ठीक है ना सो वॉट यू नीड लैंड नेक्स्ट वॉट यू नीड इज़ लेबर काम करने के लिए ठीक है ना आप कहोगे नहीं मैम मैं तो मशीनरी से काम करूँगा अरे खुद एक जने को तो बिलिंग के लिए कुछ तो खड़ा होना पड़ेगा मशीन बना देगी जूस अपने आप फ्रूट डालने के लिए कोई तो चाहिए उसमें यह मशीन अपने आप जाके फ्रूट भी पिक कर लेगी नहीं बिल अपने आप जनरेट कर लेगी वही वही मशीन नहीं सो so, हमें क्या क्या चीज़ें प्रोडक्शन के लिए चाहिए होती है अभी हमने बोला ना भैया प्रोडक्शन किस तरीके से किस तरीके से प्रोडक्शन प्रोसेस से आप नेचुरल रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर रहे हो ट्रांसफॉर्म कर रहे हो इन दी इन दी फिनिश गुड्स और बेटर प्रोडक्ट दैट विल डिसाइड द फेट ऑफ अ कंट्री तो अब प्रोडक्शन के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है प्रोडक्शन के लिए मुझे लैंड चाहिए प्रोडक्शन के लिए मुझे लेबर चाहिए प्रोडक्शन के लिए मुझे कैपिटल चाहिए कैपिटल इज वॉट पैसा पैसा होगा तभी तो ये दोनों चीज़ें खरीदोगे एंड लास्ट बट नॉट दिलीज मुझे एक ऑर्डर चाहिए एक बुद्धिमान जीव चाहिए जिसका पहले तो ये बुद्धि चले कि मैं इस एरिया में कोई जूस की दुकान नहीं है मैं जूस की दुकान खोलता हूँ फिर मैं एक्स वाई जी कंपनी की मशीनरी लगाऊँगा और मैं इस पर्टिकुलर प्राइस पे जो जूस बेचूँगा और इन सब के लिए मैं एक बैंक लोन जाके मतलब बैंक से जाके लोन ले लेता हूँ राइट तो ये चार चीज़ें चाहिए मुझे आप कहोगे मैम देर आर मोर एंडलेस थिंग्स दैट वी नीड बट भाई इकोनॉमिक्स में तो यही चार चीज़ें डिफाइंड हैं दीज आर दी फोर थिंग्स दैट इज नीडेड और दैट आर नीडेड फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इन चार चीज़ों को लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप को क्या बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो आज के बाद आपसे कोई भी पूछे कि बड़ा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भाई जो चीज़ें प्रोडक्शन के लिए चाहिए दैट इज़ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसमें क्या लैंड लेबर कैपिटल ऑन्टरप्रेन्योर ठीक है अब जब हम ये चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं विच इज़ लैंड लेबर कैपिटल एंड ऑनटरप्रेन्योरशिप ये फ्री में तो आएंगी नहीं इसके बदले आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी आप किसी यहाँ पे लैंड का टुकड़ा ले रहे हो ठीक है ना आपने वो दुकान रेंट पे ली थी आपको उस जमीन के बदले क्या देना पड़ेगा रेंट आपने लेबर हायर करी थी उसको क्या देनी पड़ेंगी वेजेस आपने बैंक से पैसा लिया था आपको रिटर्न में क्या वो फ्री में मिल जाएगा पैसा नहीं आपको रिटर्न में क्या देना पड़ेगा ब्याज और वो जो ऑन्ट्रप्र था वो जो बुद्धिमान जीव था जिसने ये सारी गणित लगाई थी कि मैं ये अरेंजमेंट करूँगा और जूस बेच के पैसे कमाऊँगा उसको रिटर्न में क्या चाहिए प्रॉफिट ठीक है ना तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पेमेंट करनी पड़ी लेबर हायर करते हो वेजेस देनी पड़ी पैसा लिया तो उसमें ब्याज देना पड़ा तो इसको क्या बोला जाता है रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इसको बोला जाता है क्या इसका बोला जाता है फैक्टर पेमेंट फैक्टर पेमेंट क्या होती है भाई जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे चार जो चाहिए थे कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए उनको जो हम पेमेंट करते हैं उनको फैक्टर पेमेंट सिंपल इसमें कुछ था टिपिकल नहीं था फिर इन वर्ड्स में इतने अपने आप को इतना डरा क्यों देते हो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो पेमेंट होगी वो फैक्टर पेमेंट एज सिंपल एज दैट ठीक है जी चलो ये पेमेंट करने वाले के हमने नज़रिए से देखा भैया फैक्टर पेमेंट अब हम नज़रिया किसका देखते हैं रिसीव करने वाले का मैं लेबर हूँ मैं काम करने फैक्ट्री में गई ठीक है मुझे क्या मिली वेजेस इसको इकोनॉमिक्स में क्या बोलेंगे फैक्टर इनकम इस पैसे ने क्या कमा के दिया इंटरेस्ट तो मैं पैसे की नज़रिए से देख रही हूँ पैसे के ऊपर मुझे ब्याज आया वॉट इज दैट दैट इज़ फैक्टर इनकम ठीक है ना लैंड के ऊपर क्या मिली मुझे इनकम क्या हुई लैंड के ऊपर इनकम क्या हो रही है रेंट दैट इज व्हाट इज फैक्टर इनकम रिसीविंग एंड से देखो ये फैक्टर इनकम बन जाती है पेमेंट <coughs> करने वाले के एंड से देखो फैक्टर पेमेंट बन जाती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो पेमेंट करे दैट इज फैक्टर पेमेंट ठीक है गुड टू गो चीज़ समझ आई चलो ठीक है तो बस आपको मैंने अभी तीन कॉन्सेप्ट सिखाए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं फैक्टर पेमेंट क्या होती है फैक्टर इनकम क्या होती है सिंपल ठीक है चलो जी <coughs> अब क्या है अब हमने क्या देखा था भाई हमने किस तरीके से रिसोर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं गुड्स में किस तरीके से रिसोर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं सर्विसेज में अब किसी भी कंट्री में किसी भी कंट्री में जितने भी गुड्स बन रहे हैं चाहे वो एरोप्लेन हो चाहे वो पिन हो चाहे वो प्लेन हो चाहे वो पेन हो चाहे वो सब्जियां हो चाहे वो फल हो चाहे वो आ, मसाले हो ठीक है ना और सर्विसेज जैसे कि नाई की सर्विस ठीक है ना जैसे ये देखो ना नाई भाई साहब खड़े जैसे डॉक्टर सर्विसेज तो जितनी भी वैल्यू की सर्विसेज जितनी भी वैल्यू जितनी भी वैल्यू की सर्विसेज जितने भी वैल्यू के गुड्स बने हैं एक कंट्री में पूरे साल में उनको क्लब कर दो ठीक है ना पूरा लिखना चालू कर दो कि कितने कितने अमाउंट की मसाले बने थे कितने अमाउंट के अचार बने थे गाड़ियाँ कितने अमाउंट की बनी थी सब्जियाँ कितने अमाउंट की बनी थी मेडिसिन कितने अमाउंट की बनी थी प्लस कर दो ये किसका साइन है सिग्मा, प्लस एडिशन इंजीनियर्स तो फट से समझ गए होंगे मैथ्स मैथ्स ऑनर्स वा, वाले मैथ्स वाले बच्चे भी समझ गए होंगे दिक्कत थोड़ी थोड़ी सी वैसे तो कॉमर्स वाले बच्चे भी समझ गए होंगे साइन को स्टैट्स पढ़ते ही हैं वो ठीक है ना सिग्मा समेशन एडिशन इन सबको जब हम प्लस कर देते हैं इन सब सारी चीज़ों को किनको जितने गुड्स बने हैं कंट्री में पूरे साल में ठीक है ना जितनी सर्विसेज बनी है पूरी कंट्री एक कंट्री में पूरे साल में उसको प्लस कर दो तो क्या आ जाता है आ जाता है हमारे सामने नेशनल इनकम ठीक है ना इनको प्लस कर दो तो क्या आ जाता है नेशनल इनकम सो so, नेशनल इनकम इज व्हाट इट इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग पीरियड नेशनल इनकम इज़ दी एग्रीगेट ऑफ द फैक्टर इनकम अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि कितनी वैल्यू ऑफ़ गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का एक और तरीका है कि भैया जितनी भी फैक्टर इनकम हुई थी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम हुई थी रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट उनको भी प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा तो भी नेशनल इनकम के फिगर पे पहुंच जाओगे नेशन की इनकम नेशनल इनकम ठीक है ना इट इज़ कैलकुलेटेड किस तरीके से नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इट इज़ कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसने तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन है छीना हुआ है कि ये जीडीपी जीडीपी क्या है न्यूज़पेपर उठाओ तो जीडीपी कहीं पे ट्रेंड्स पढ़ो तो जीडीपी कहीं पे गवर्नमेंट रिपोर्ट पढ़ो तो जी एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी तो ये जीडीपी क्या है आज समझ जाएंगे उसके बाद जो न्यूज़पेपर से रिलेटेबिलिटी वो भी बढ़ जाएगी कि भैया ये न्यूज़ uh, में जो जी डी आता है वो क्या है ठीक है सो बेसिकली जी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए रास्ते में थोड़े से और चुनौतियाँ आएंगी चुनौतियाँ इन द सेंस थोड़े से कॉन्सेप्ट और ध्यान देना पड़ेगा ठीक है आई वी प्रिपेयर फॉर दैट इवन तुम लोग प्रिपेयर भी नहीं होगे गए तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो कॉन्सेप्ट तुम कब समझ गए ठीक है ना चलो सो <coughs> बेसिकली so ये जो जी है जी क्या है जितने गुड्स एंड सर्विसेज बने एक साल में उसका समेशन कर दो ठीक है ना उन कितने पैसों के बने उनका समेशन कर दो जीडीपी आ जाता है जीडीपी डी कैलकुलेट करने के तीन तरीके हैं लेकिन हम ऐसे लीप्स एंड बाउंड से नहीं बढ़ेंगे हम तो टॉटस हैं वो जो टॉटस और रैबिट वाली जो रेस थी आई डोंट वॉन्ट टू बी अ रैबिट आई डोंट वॉन्ट टू बी अ टॉटस स्लो एंड स्टीडी विन्स दी रेस तो स्लोली एंड स्टीडली कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉन्सेप्ट आगे रखते हुए चलेंगे और चीज़ें समझेंगे ठीक है ना तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको समझने की थी वो था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो पेमेंट होती है उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम पेमेंट वाले की नजर से देखें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट रिसीव होती है उसको हम क्या बोलते हैं फैक्टर इनकम ठीक है नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरेटरी डोमेस्टिक टेरेटरी क्या है ठीक है ना इंडिया है इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है ठीक है ना कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी यहाँ पे मान लो गुजरात से लेके जो आपका फार ईस्ट है वहाँ तक जो लैंड बॉर्डर है ठीक है ना सो so, जो डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स और रेफर्स टू दी जोग्रफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाई दी इंडियन गवर्नमेंट इट ऑल्सो इंक्लूड्स इट ऑल्सो इंक्लूड्स आपकी सी बाउंड्री ऑल्सो यहाँ सारा ओशन है ये तो पता है ना तुम लोगों को इंडिया का मैप फर्स्ट टाइम थोड़ी देख रहे हो ठीक है ना तो इस सी का कितना हिस्सा है? इंडिया का पार्ट ही माना जाएगा तो कोस्ट लाइन से ये कोस्ट है ठीक है ना इस कोस्ट लाइन से ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स जैसे कि हम लैंड में डिस्टेंस किलोमीटर्स में नापते हैं ऐसे हम सी में डिस्टेंस नापते हैं नॉटिकल माइल्स में ठीक है ना तो कोस्ट से ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स कोस्ट से ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स तक सारा हिस्सा इंडिया का है तो मतलब मान लो मतलब मैं मान लो मैं यहाँ पर रह रही हूँ ठीक है ना मैं यहाँ पर रह रही हूँ तो आप मुझसे पूछो कि मैं कहाँ रह रही हूँ इंडिया में रह रही हूँ और मैं ओवरसीज़ वाटर में रह रही हूँ इंडिया के बाहर रह रही हूँ तो मैं देखूंगी कि अच्छा ये ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स हाँ इंडिया में रह रही हूँ क्यों क्योंकि भैया इंडिया की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसकी डेफिनेशन में क्या आता है कि भैया इंडिया का जो सारा लैंड बॉर्डर है प्लस ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स तक भी इंडिया का ही हिस्सा है जैसे कि तुम अपने घर में देखो घर में क्या होता है घर के बाहर हम थोड़ा थोड़ा गार्डन बना देते हैं घर के इधर मेन दरवाजे के बाहर सोच के देखना ठीक है ना घर के मेन दरवाजे के बाहर हम छोटा सा गार्डन बना देते हैं फिर हम गाड़ी खड़ी करने के लिए वो रैम्प बना देते हैं ठीक है ना तो वो धीरे धीरे क्या तुम बोलते हो ये मेरे ही घर का हिस्सा है बोलते हो कि नहीं बोलते हो उस उस रैम्प पे कोई खड़ा हट जा मेरे घर के आगे से या कोई उस पर बदमाशी कर रहा है तो दैट इज़ योर घर ओनली तुम्हारे घर का हिस्सा है वो ठीक है ना सिमिलरली इंडिया का जो ट्वेल्व नोटिकल माइल्स तक सी है वो भी किसका पार्ट माना जाता है इंडिया का पार्ट माना जाता है और क्या क्या चीज़ें इंडिया का पार्ट मानी जाती हैं इंडियन एम्बेसीज ये एम्बेसीज क्या फ़ॉरन जो हमारे ऑफिसज़ होते हैं ठीक है ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिसज हैं ठीक है ना फॉर दूसरे देशों के ऑफिसेज़ भी हमारे इंडिया में कौन से प्राइवेट ऑफिसेज़ नहीं गवर्नमेंट ऑफिसेज़ जिसको एम्बेसी या कौंसुलेट्स बोलते हैं ठीक है ना यू एस जो बच्चे गए होंगे यू एस एम्बेसी से वीज़ा लग के आता है ठीक है ऐसे इंडिया की एम्बेसी भी तो दूसरे कंट्री में खुली होगी एक ब्रांच खुली होगी इंडिया का जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है तो इंडियन एम्बेसी यू एस ए में खुली होगी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है यू एस ए में इंडियन एम्बेसी किसको रिप्रेजेंट कर रही है यू एस ए में इंडियन एम्बेसी किसको रिप्रजेंट कर रही है इंडिया को वो भी हमारा ही पार्ट है मैं इंडियन एम्बेसी में रह रही हूँ ठीक है ना वो यू एस ए में लोकेटेड है ठीक है सो एम आई लिविंग इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दी कंट्री कोई मुझसे पूछे आप तो यू एस ए में रह रहे हो मैम मैं बोलूँगी नहीं मैं यू एस ए में रह रही हूँ लेकिन अगर आप मुझसे पूछ रहे हो आर यू लिविंग इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया येस आई एम लिविंग इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया आप कहोगे मैम कैसे आप तो एम्बेसी में रह रहे हो तो मैं बोलूँगी हाँ ये जो एम्बेसी है जो इंडियन एम्बेसी यू में बनी हुई है जापान में बनी हुई है केन्या में बनी हुई है श्रीलंका में बनी हुई है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ही मानी जाती है कि मैं इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही रह रही हूँ सिमिलरली कोई शिप है कोई जहाज है जो इंडियन रेसिडेंट द्वारा ओन है ठीक है ना वो किसका हिस्सा माना जाएगा ठीक है मान लीजिए यहाँ से एक इंडियन एयर इंडिया का फ्लाइट जा रहा है यहाँ से यूके ठीक है ना तो वो किसका मतलब वो अगर हवा में है तो क्या वो किसी का भी नहीं हो गया या वो यूके का हो गया या वो इंडिया किस किसका किस पार्ट माना जाएगा वो इंडिया का क्योंकि मैं एज एन इंडियन उसे ओन कर रही हूँ मेरे मेरे सारे एयरक्राफ्ट हैं ठीक है ना मेरी द्वारा चलाई हुई कंपनी है दैट इज ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी आप कहोगे मैम ये डोमेस्टिक टेरिटरी को हमें इतना क्यों फोकस करना पड़ रहा है अभी जैसे जैसे हम आगे कॉन्सेप्ट और बिल्डअप करेंगे तब ये डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ठीक है तो डोमेस्टिक टेरिटरी हमको जो है समझ आ गई चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फैक्टर कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट कौन सी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम जो कॉस्ट पे कर रहे थे दैट इज फैक्टर कॉस्ट इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज इनकर्ड सर्विसेज ठीक है ना कोई भी फर्म है उसको कुछ भी बनाना है उसके लिए उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करने पड़ेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो हायर कर रहा है तो उनको कुछ पेमेंट करनी पड़ी थी जिसको हम फैक्टर पेमेंट या फैक्टर कॉस्ट बोल वोल्डर उनको क्लब कर दो तो वो कंपनी के लिए कॉस्ट हो गई तो फैक्टर कॉस्ट हो गई ठीक है जी मार्केट प्राइस क्या होता है मार्केट प्राइस होता है भाई जिस प्राइस पे प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है ठीक है ना मान लीजिए मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है वो बना आठ रुपये का था ठीक है ना जब हमने उसकी सारी कॉस्ट प्लस करी तो उसकी कॉस्ट आई आठ रुपये इस पर जुड़ा दो रुपये प्रॉफिट टू रुपीज प्रॉफिट जुड़ा ठीक है ना दो रुपये प्रॉफिट जुड़ गया ये आ गया दस रुपये विच इज अ सेलिंग प्राइस ठीक है ना या फिर इसमें आप मान लीजिए दो रुपये या एक रुपये जुड़ गया टैक्स का वन रुपीज जुड़ गया किसका टैक्स का तो इसकी फाइनल सेल वैल्यू क्या हो गई ग्यारह रुपये फाइनल मार्केट प्राइस भाई आपको कितने अमाउंट पे अवेलेबल है दैट इज वॉट इज ग्यारह रुपए दैट इज वॉट इज मार्केट प्राइस सो मार्केट प्राइस क्या होता है मार्केट प्राइस इज सच अ प्राइस जिसपे आप प्रोडक्ट खरीदते हो ठीक है ना सिंपल सी बात मार्केट प्राइस एम ठीक है ना उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं भाई फैक्टर कॉस्ट भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला था मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकाला था सारी जितनी कॉस्ट है जो लैंड लेबर कैपिटल और ऑनटरप्रन की उसको प्लस किया उसमें मैंने अपना प्रॉफिट प्लस किया उसमें और क्या ऐड किया मैंने उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने ऐड करी टैक्स उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या ऐड करी टैक्स ऐड करी विच इज अ टैक्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट प्रोडक्शन रिलेटेड टैक्स नहीं किया क्या होता था पहले आप जब कोई चीज़ प्रोड्यूस करते थे इंडिया में तो प्रोडक्शन पे मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी तो वो तो प्रोडक्शन कर रहे हो लग रही है ठीक है जब आप प्रोडक्ट बेचने जाओगे मार्केट में फिर अलग से टैक्स लगेगा जैसे वैट लगता था ठीक है ना वो सामान बेचने पर सामान बनाने पर क्या लगता है प्रोडक्ट टैक्स सॉरी प्रोडक्शन टैक्स जो सामान बनाने पे लगता है दैट इज प्रोडक्शन टैक्स जो सामान बेचने पे लगता है वो प्रोडक्ट टैक्स तो मार्केट प्राइस में क्या इंक्लूडेड होता है मार्केट प्राइस में इंक्लूडेड होता है प्रोडक्ट टैक्स क्यों क्योंकि हम जो है सामान जो है बेच रहे हैं ठीक है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन क्या होता है हम डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं सो दैट आगे हम चीजें जब पढ़ें तो हमें दिक्कत ना आए हम क्या पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन क्या है डिप्रिसिएशन आप मान लीजिए नया फोन खरीद के लाए ठीक है ना आपने उसको एक साल आप फ़ोन ख़रीद के लाए थे साठ हज़ार का आप फ़ोन ख़रीद के लाए साठ हज़ार का अगले एक साल बाद आप उसको बेचने गए आपको मिले सिर्फ चालीस हज़ार रुपये आप कहोगे भैया बीस हज़ार क्यों मैं तो चालीस हज़ार का खरीद सॉरी साठ हज़ार का ख़रीद के लाया था ये बीस हज़ार कम क्यों कर दिए मुझे तो साठ हज़ार रुपये दो फ़ोन तो वैसा ही है तो आपको दुकानदार क्या बोलेगा भाई साहब आपने एक साल फ़ोन यूज़ किया आपने गिराया भी होगा इसकी मशीनरी यूज़ हुई इसकी बैटरी भी घसी ठीक है ना इसका टच पैड भी घिसा ठीक है ना तो ये जो आपने एक साल यूज़ किया है उससे जो इसकी वैल्यू इसकी लाइफ जो थोड़ी सी कम हुई है बस उसी की कीमत है वो बीस हजार रुपये इसलिए अब आप अगर ये फ़ोन बेचोगे तो आपको चालीस हज़ार रुपये ही मिलेंगे तो वो जो बीस हजार रुपये कम हो गए वो जो बीस हजार रुपये कम हो गए इज़ वॉट इज डेप्रिसिएशन सो डेप्रीसी इज द डिक्रीज इन दैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू यूसेज ऑफ मशीनरी आप यूज कर रहे हो तो मशीनरी क्या होएगी मशीनरी घिसेगी मशीनरी घिसेगी वियर एंड टीयर भी होंगे वियर प्लस टीयर तो जो उसकी वजह से वैल्यू में कमी आ रही है दैट इज वॉट इज डेप्रीसिएशन पता ही है आपको भी ठीक है नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फैक्टर इनकम क्या थी उसके लिए पीछे चलते हैं फिर से ये थी फैक्टर इनकम ठीक है ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम क्या कर रहे थे पेमेंट कर रहे थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिसीविंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये फैक्टर इनकम थी लैंड पे मुझे क्या इनकम हो रही है रेंट वेजेस लेबर प्रोवाइड करने पे वेजेस मनी प्रोवाइड करने पे इंटरेस्ट एंड ऑनटरप्रीनोरशिप सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मुझे प्रॉफिट ये क्या हो गई फैक्टर इनकम हो गई ठीक है ना अब ये कॉन्सेप्ट क्या पढ़ने वाले हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अब आपने देखा होगा हमारे देश से कुछ बच्चे उठ के बाहर जॉब करने जाते हैं लेबर गई यहाँ से बाहर जॉब करने उसको क्या मिले वेजेस मिले ठीक है ना फिर से बताती हूँ कुछ बच्चे बाहर नौकरी करने जाते हैं कैनेडा जाते हैं स्पेशली बहुत बच्चे उठ उट उठ के वहाँ पे उनको मिलती तनख्वाह ठीक है ना सिमिलरली बाहर से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करने आते हैं आपने देखा होगा यूजली नेपालीज एंड बांग्लादेशीज़ ठीक है ना वो यहाँ पे काम करने आए उनको भी पेमेंट मिली थी ठीक है ना कई बार आपने देखा होगा ये समझ आया ना अब आपने देखा होगा बहुत बार जो कंपनीज़ हैं वो बाहर के देशों से या बाहर के देशों के बैंक से पैसे बोरो कर रही है उस पर वो क्या दे रही होगी इंटरेस्ट सिमिलरली बहुत सारी कंपनीज दूसरे देशों में मान लीजिए श्रीलंका की कोई कंपनी है वो एक इंडियन बैंक से लोन ले रही होगी वो रिटर्न में हमें क्या दे रही होगी इंटरेस्ट किसको जिस बैंक से लोन लिया था मान लीजिए श्रीलंका की कोई कंपनी है वो एच बैंक से लोन ले गई आके अब एच बैंक उस श्रीलंकन कंपनी को फ्री में तो लोन देगा नहीं उसको रिटर्न में क्या देना होगा इंटरेस्ट ठीक है ना हमने भी बाहर से जब लोन लिया था हमने इंटरेस्ट दिया था तो मतलब कुछ फैक्टर पेमेंट्स हमने रिसीव करी कुछ फैक्टर पेमेंट्स हमने करी मतलब कुछ फैक्टर इनकम्स हमको मिली थी कुछ सैलरीज हमें मिली थी कुछ सैलरीज हमने बांटी भी <coughs> तो इन दोनों का जो बैलेंस अमाउंट होता है दैट इज व्हाट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो ये जो रेंट uh, ये जो वेजेस ये जो इंटरेस्ट और ये जो प्रॉफिट एक इंडियन ये क्या है इंडियन देख रहे हो आप ये रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट जो एक इंडियन को मिला उसमें से रिड्यूस कर दो ये किसका साइन बना हुआ है रिडक्शन माइनस का साइन है ये कि नहीं है कंफ्यूज तो नहीं हो रहे उसमें से घटा दो जो हमने फैक्टर पेमेंट्स करी बहुत सारे लोग हमारे यहां देश में भी तो आके काम कर रहे हैं हम हमने उनको वेजेस दी उसमें से ये सब हटा दो जो फैक्टर पेमेंट्स हमें मिली उसमें से फैक्टर पेमेंट जो हमने दी उसको रिड्यूस कर दो तो मेरे पास क्या फिगर आ जाता है नेट बैलेंस आ जाता है किसका नेट बैलेंस आ जाता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एज सिंपल एज दैट ठीक है हमने देखा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं ट्रांसफर पेमेंट्स यूनिलेटरल पेमेंट्स होती हैं ठीक है ना यूजली आप जब कुछ किसी चीज़ के लिए पेमेंट करते हो आपको बदले में कुछ मिलता है आप भले हॉस्पिटल गए आपको हॉस्पिटल वालों ने सर्विसेज दी आपने उसके लिए पेमेंट करी आप कुरकुरे लेने गए आपने पेमेंट करी आपको बदले में कुरकुरे मिले लेकिन ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है यूनीलेटरल पेमेंट होती है एक तरफ़ा पेमेंट होती है फॉर विच देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनमी मम्मी ने आपको गिफ्ट दिया मम्मी कुछ रिटर्न में थोड़ी एक्सपेक्ट कर रही है आपको गिफ्ट दे दिया दैट इज़ अ यूनिलेटरल पेमेंट ठीक है ना आपको स्कॉलरशिप मिली आपने टेस्ट लिखा आपको स्कॉलरशिप मिली दैट इज़ अ यूनीटरल पेमेंट आप उसमें रिटर्न में थोड़ी कुछ दे रहे हो गवर्नमेंट को जिस जिसने भी आपको स्कॉलरशिप दी ठीक है ना ओल्ड एज पेंशन होती है बहुत सारी देश की सरकार जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनको अपनी लाइफ चलाने के लिए ओल्ड एज पेंशन देती है ठीक है ना तो वो उस उनसे कुछ रिटर्न में थोड़ी एक्सपेक्ट कर रही है सो दीज काइंड ऑफ पेमेंट्स आर यूनिलेटरल इन नेचर यूनिलेटरल मतलब एक तरफा है एंड दीज आर कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट्स एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला इज जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है क्या वो यूनिलिटरल पेमेंट है नहीं रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है वो यूनिलिटरल पेमेंट नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि वो सारे पैसे आपकी ही सैलरी में से कटे थे जब आप सैलरी जॉब uh, कर रहे थे जब आप जॉब कर रहे थे आपकी सैलरी आती थी <coughs> उसी का एक हिस्सा वो काट के आपके पेंशन फंड में डाल देते थे सो so, जो रिटायरमेंट पेंशन होती है वो ट्रांसफर पेमेंट नहीं होती है वेर जो ओल्ड एज पेंशन होती है जो डोनेशंस होती हैं वे जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वे एज जो ग्रांट्स होते हैं वे एज जो चैरिटी होती है ये सब क्या है एक तरफा पेमेंट है दैट इज ट्रांसफर पेमेंट ठीक है चलिए नेक्स्ट इज फ्लो ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस मैंने क्या बोला था वॉट डिसाइड डेस्टिनी ऑफ आर कंट्री किस तरीके से वो रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज को कन्वर्ट करने के लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा उसका प्रोसेस होता है जैसे अब चाय ब, चाय बनाने के लिए प्रोसेस होता है चीनी लाते हो दूध पत्ती लाते हो सॉरी चीनी लाते हो दूध लाते हो पत्ती लाते हो ठीक है ना वो सब क्या है रॉ मटीरियल है ठीक है ना वो सब रॉ मटीरियल्स है <coughs> जब आपने चाय गैस पर चढ़ा दी सारी चीज़ें मिक्स करके तो अब ना चाय कच्ची है ना पक्की है क्या बोलोगे उस स्टेज में उस चाय को क्या बोलोगे चाय बोलोगे या आप ये भी नहीं बोल सकते दूध है क्यों क्योंकि वो अभी कहीं ना कहीं बीच में है जीरो से हीरो के बीच में जैसे तुम लोग हो अभी ना तुम अब ज़ीरो हो क्योंकि दो क्लास आगे बढ़ चुके हो ना तुम हीरो हो अभी तो तुम क्या हो अभी वर्क इन प्रोग्रेस हो ठीक है ना समझ आया वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है फिर जब तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा जब तुम्हारे एन सी क्यू कम्प्लीट हो जाएंगे तुम क्या बन जाओगे तुम बन जाओगे फाइनल गुड्स तुम क्या बन जाओगे तुम बन जाओगे फाइनल गुड्स कि भाई अब ये जो है ये जीरो से हीरो बन चुका है सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है हो सकता है प्रीलिम्स में भी बहुत बढ़िया नंबर आ जाए ठीक है चाय बन के तैयार हो गई है नाउ आई कैन कंज्यूम दैट टी नाउ आई कैन यूज़ दैट फॉर माई कंजम्पशन मैं उसको पी सकती हूँ या मैं उसे बेच सकती हूँ ठीक है ना दैट इज़ वॉट इज़ फाइनल गुड्स ठीक है फाइनल गुड्स की भी दो कैटेगरी होती है फाइनल गुड्स की भी दो कैटेगरी होती है क्या होता है सबसे पहले रॉ मटेरियल था फिर बीच में जब हो वर्क इन प्रोग्रेस फिर फाइनल गुड्स फाइनल गुड्स की भी दो कैटेगरी होती है एक होता है कंजम्पशन गुड्स दूसरा होता है कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स ठीक है ना अब आप चाय बन के तैयार हो गई ठीक है ना फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं विच आर फिट फॉर कंजम्पशन फाइनल गुड्स कौन से फिट फॉर कंजम्पशन फिट फॉर कंजम्पशन दे आर फिट फॉर कंजम्पशन ठीक है जी <coughs> इसके भी दो प्रकार होते है. कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स क्या होते हैं दो प्रकार होते हैं कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स अब कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं जिनको आप एक बार यूज करो जैसे कि शैम्पू की, की बॉटल है वो आपके साथ हमेशा के लिए नहीं आपने खतम, है आपने कंज्यूम किया एंड दे आर खत्म ठीक है ना इसके ऑपोजिट होते हैं कैपिटल गुड्स कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीनरी कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीनरी कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनको यूज़ करके आप दूसरे गुड्स और बनाते हो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीनरी मशीनरी को यूज़ करके आप क्या बनाओगे और शैम्पू तो ये जब आप बना रहे हो और शैम्पू इन दि प्रोसेस इन दिस एंटायर प्रोसेस दिस मशीनरी विल नॉट गेट ट्रांसफॉर्म्ड क्या ये मशीनरी अपनी शेप छोड़ देगी या मशीनरी भी कुछ नया प्रोडक्ट बन जाएगी नहीं सो कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच डू नॉट गेट ट्रांसफॉर्म्ड विच डोंट और डू नॉट गेट ट्रांसफॉर्म्ड राइट वेर एज कंजम्शन गुड्स क्या होते हैं कंजम्पशन गुड्स होते हैं आपने एक बार यूज किया दो बार यूज किया एंड खत्म ठीक है चलो

किसकी मनी वैल्यू जितने भी गुड्ड एंड सर्विसेज बन रहे हैं पूरे एक साल में एक कंट्री में पूरे साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं उसकी वैल्यू को प्लस कर दो इकट्ठा कर दो सिग्मा कर दो एडिशन कर दो ठीक है ना कहा बनने चाहिए डोमेस्टिक टेरिटरी डोमेस्टिक टेरिटरी हमने देखी थी डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चीजें आती हैं कि भाई डोमेस्टिक टेरिटरी में लैंड बॉर्डर आता है ठीक है ना ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स तक सी आता है ठीक है इंडिया की जो एम्बेसीज एंड काउंसिलेट्स हैं इंडिया के जो मिलिट्री स्टेबलिशमेंट हैं

ठीक है ना मान लीजिए मान लीजिए एक प्रोडक्ट है सो इंडियन एम्बेसी है कहाँ पे अमेरिका में ठीक है ना यूएसए में इंडियन एम्बेसी है ठीक है ना अब इस इंडियन एम्बेसी में मान लीजिए ब्रेड बन रही है तो ये कहाँ का पार्ट मानी जाएगी ये प्रोडक्ट कहाँ का माना जाएगा कि ये कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ इट इज मेड इन इंडिया ओनली वाई बिकॉज दिस इंडियन एम्बेसी इज कंसिडर्ड एज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री तो जी डी पी के लिए हमें क्या चीज़ देखनी होती है कि भैया पूरे एक साल में जितने गुड्स एंड सर्विज बने हैं उसकी मनी वैल्यू निकालो उसको प्लस कर दो ठीक है ना गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ बने होने चाहिए डोमेस्टिक टेरेटरी में बने होने चाहिए डोमेस्टिक टेरेटरी इनरिस्पेक्टिव किसने बनाया है यहाँ पर कोई अमेरिकन बैठ के इंडियन एम्बेसी में ब्रेड बना रहा है वी लीज बॉर्दर्ड ऑल वी आर बॉर्डर्ड अबाउट इस कि इट शुड बी मेड इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री एंड वी आर गुड टू गो

ट्रेंड्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं अब ये ट्रेंड आपको कहां से पता चलेगा जब सर्वे में डेटा पब्लिश ट्रेंड इन द जीडीपी ऑफ कंट्री ठीक है ना ये आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अभी तक हम क्या देख रहे थे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अब हमें डी को चेंज करके क्या करना है

कौन बना रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ हु मेक्स इट लेकिन जीएनपी की जब मैं बात कर रही हूं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रही हूं वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दी लोकेशन वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दी लोकेशन हमें नहीं मतलब कि कहां पे बन रहा है ऑल वी आर कंसर्न इज इट शुड बी मेड इट शुड बी मेड बाय एन इंडियन सिटीजन अब कोई इंडियन सिटीजन है है ठीक ना अब कोई इंडियन सिटीजन है जो केनिया में बैठ के कुछ प्रोडक्ट बना रहा है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो तो केनिया के जीडीपी में इंक्लूड होगा क्यों क्योंकि के बच्चों ने भी ये डेफिनेशन पढ़ी होगी कि एनी गुड मेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ केनिया विल बी द पार्ट ऑफ आर जीडीपी तो जीडीपी तो तुम रख लो लेकिन जब हम जीएनपी कैलकुलेट कर रहे हैं जब हम जीएनपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कहाँ का पार्ट होगा दैट विल बी पार्ट ऑफ

तो ये किसकी जीएनपी का पार्ट होगा ये यूएसए की जीएनपी का पार्ट होगा या इंडिया की जीएनपी का पार्ट होगा ये इंडिया की जीएनपी का पार्ट होगा क्यों पार्ट होगा इंडिया की जीएनपी का क्यों द स्पैन ऑफ लास्ट वन ईयर इन रिस्पेक्टिव ऑफ देशन विल बी कंसिडर्ड एज इंडिया जीएनपी इट विल बी कंसिडर्ड एज इंडिया जीएनपी बट वेन वी टॉक अबाउट जी डी पी यूएसए के बच्चों के नज़र नजरिए से देखो यूएसए के बच्चों ने तो हम यूएसए में खड़े जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं चाहे कोई बांग्लादेशी कोई इंडियन कोई अमेरिकन आके गुड्स बनाए सर्विसेज बनाए मतलब नहीं है अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ यूएसए में बन रहे हैं तो वो यूएसए की जीडीपी का पार्ट है तो यूएसए में जाके ये सर्विसेज प्रोड्यूस हुई थी उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में सो दिस सर्विसेज दिस सर्विसेज मान लीजिए पांच हजार रुपये की सर्विसेज बनी थी वो किसकी जीडीपी का पार्ट है जी की जीडीपी का पार्ट है बट यूएसए की जी डी पी का पार्ट ऑफ ठीक है सो हम क्या कर रहे थे डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे थे तो so डेफिनेटली कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़े होंगे हमको तो so डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या कर रहे थे हम हम जी डी पी से जी एन पी पे जा रहे थे राइट right? इस फॉर्मूला को ध्यान रखना क्या कर रहे थे हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे थे ठीक है ना तो हमें क्या करना होगा इसमें एडजस्टमेंट जो भी जीडीपी का फिगर आएगा जो भी जीडीपी का फिगर आएगा उसमें हम ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो जैसे ही जी के फिगर में एन एफ आई एड किया जीएनपी आ जाएगा एन एफ आई अब आप मुझसे पूछो क्या होता है तो मैं बोलूंगी अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था एन एफ आई ये क्या होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम जो लेके आ रहे हैं उसमें से जो हमने बाहर भेजी है उसको माइनस कर दो तो नेट अमाउंट आ जाएगा और उसी अमाउंट को एडजस्ट कर दोगे तो हम जी के फिगर में आ जाएंगे ठीक है ना चलिए

इंडिया में थ्री ट्रिलियन डॉलर की खैर बहुत ज्यादा फिगर लिख दिया मैंने थ्री ट्रिलियन डॉलर की जो है नेट फैक्टर इनकम हमने रिसीव करी है आप कहोगे मैम वाओ ये तो देश की तरक्की हुई होगी

पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है भाई एक तरफ तुम कह रहे हो तीन ट्रिल, ट्रिलियन डॉलर आए हैं साथ ही साथ तुम देख रहे हो कि पावर्टी और जो बेरोजगारी है वो बढ़ रही है तो हम क्या करें जी बढ़ रहा है तो मतलब इसका मतलब यही है कि जो जी में पैसा आया था जो बाहर से पैसा आया है उसका जो अवेलेबिलिटी है इट इज लिमिटेड टू पीपल और सम स्टैट ऑफ सोसाइटी राइट चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारी स्टोरी कहाँ तक पहुँच गई थी हम स्टार्ट किए थे जीडीपी से ठीक है ना फिर हम गए जीएनपी तक ठीक है ना अब हमें कहां जाना है हमें जाना है एनएनपी तक ठीक है ना पहले हमने डी को चेंज किया था एन में अब हम ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं ठीक है ना तो नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ एन इकॉनमी

नहीं ना टोटल डेप्रीसिएशन का जो अमाउंट निकला था एक साल में कंट्री में उसको रिड्यूस कर दोगे उसको जब रिड्यूस कर दोगे ये जीएनपी के फिगर में से जीएनपी में से डेप्रीसिएशन माइनस कर दो तो आप आ जाओगे नेट नेशनल प्रोडक्ट पे आप आ जाओगे नेट नेशनल प्रोडक्ट पे और बस ये जो नेट नेशनल प्रोडक्ट का फिगर आता है दैट इज नेशनल इनकम तो आप कहोगे मैम आज तक ऐसे ही डर रहे थे कितने सारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं जो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में बहुत डर डर के पेपर लिखे हैं क्योंकि वहाँ तो नेशनल इनकम आती है ठीक है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स की किताब में तो क्या ये इतना था ईजी था हाँ बिल्कुल इतना ही ईजी था जी से स्टार्ट होना है जी से स्टार्ट करके जी एन पी पे पहुँचना है जी एन पी में एडजस्टमेंट करके आपको किस पे एन एन पी पे पहुँचना है जैसे ही एन एन पी आया

तो नहीं होना है ठीक है ना डी कहाँ से हुए थे जीडीपी से से गए थे जीएनपी पे और अब आ गए हैं हम एनएनपी पे ठीक है चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते प्रीवियस ईयर का द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू व्हाट

मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन दी स्पैन ऑफ वन ईयर ठीक है जी चलिए अब एक नए पे चलते हैं कॉन्सेप्टी डी पी हमने अभी तक क्या देखा था जी डी पी देख लिया था यहाँ पे हमने जी डी पी देखा था अब हम देखते हैं दो नए कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू जी डी पी वन इज रियल जी डी पी एंड वन इज नॉमिनल जी डी पी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझिए आप बाई ईयर बाई कई बार सुना भी होगा आज उसको हम क्लियर कर भी लेते हैं तो स्टूडेंट्स मुझे कभी भी किसी को, किसी को से compare करना है आई नीड टू फाइंड मार्क मान लीजिए मुझे दो स्टूडेंट्स में कंपेयर करना है या तो मैं उनको उनकी हाइट के बेसिस पे या उनके वेट के बेसिस पे या या उनके नंबर कितने आए हैं मतलब मुझे किसी को आधार मानना पड़ेगा एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट करे करना पड़ेगा कि मैं इन दोनों स्टूडेंट्स को या तो उनके वेट पे या उनकी हाइट पे या मैं उनके आ, आ, मार्क्स स्कोर्ड पे ठीक है ना या हाउ फास्ट देर रन किसी ना किसी बेसिस पे तो कंपेयर किस बेसिस पे मैं कैसे बोलूँ ये पर्सन उससे बेटर है सो आई नीड मे बी मैं उसको वेट पे देख लूँगी उससे मोटा है या ये उससे लंबा है राइट तो इफ आई एम कंपेयरिंग मान लीजिए मेरे को एक क्लास क्लास के स्टूडेंट्स में करना है है इंट्रा ठीक ना एक ही क्लास के बीच में तो मैं एक स्टूडेंट को बेंच मार्क बना दूंगी इज़ अनिल तो अनिल की हाइट मुझे पता चला इट इज फाइव सिक्स अब मैं हर स्टूडेंट को अनिल की हाइट से कंपेयर करके देखूंगी ठीक है ना तो पता चला जी राजू जो है अनिल से छोटा है फिर मैं गई दीपक के पास तो मुझे पता चला दीपक अनिल से लंबा है ठीक है ना सो वट आई एम डूइंग अनिल को मैंने एक बेंचमार्क एक स्टैंडर्ड मान लिया सो दैट मेरा कंपैरिजन करना इजी हो जाए तो बेस ईयर भी बस वही होता है बेस ईयर इज आल्सो अ बेंचमार्क और अ स्टैंडर्ड जिसमें जिसके जिस सो बेस ईयर के जो फिगर्स होते हैं जो बेस ईयर में फिगर्स होते हैं मान लीजिए बेस ईयर में जी कितनी रही है बेस ईयर में प्राइज इन्फ्लेशन कितना रहा है ठीक है ना बेस ईयर में मान लीजिए डब्ल्यू कितना रहा है एंड देन आई कीप कंपेयरिंग ठीक है ना कि 2012 को अगर आ, मान लीजिए बेस ईयर है 2011 ठीक है ना बेस ईयर एक ईयर जिसको मैं स्टैंडर्ड बेंचमार्क मान लूंगी और बाकी सारे ईयर्स की कंपैरिजन करूंगी तो मैंने मान लीजिए 2012 में देखा कि इस साल मेरे कंट्री में 10 किलो गुड्स बने हैं ठीक है ना मैं देखा था 2011 का फिगर था 8 किलो तो आई गॉट टू नो कि इस साल कंट्री में जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है

जो होता होता है, है। है है है? है, कुछ criteria select किया जाता जाता तो तो आप बोलोगे मैम कौन decide करता है base year? ठीक है ना? किस basis पर decide होता है? तो एक ऐसे year को, ऐसे year को, को माना जाता है, जब माना जाता है कि जितनी भी इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल कंडीशन रही हैं, उस साल में वो काफी स्टेबल रही है रिलेटिवली स्टेबल रही है ठीक है ना सो दैट इज अ बेस ईयर इज डिसाइडेड एंड बाकी सारे

उसके प्राइस से इंटू कर दो जीडीपी आ जाएगा सिंपल सी बात है तो रियल जीडीपी क्या होता है रियल जीडीपी में क्या होता है भाई आपके बेस ईयर में प्राइस रियल जीडीपी में क्या हो रहा है <laughs> रियल जीडीपी में हम क्या देखते हैं कि आपका जो बेस ईयर था विच इज टू थाउजेंड इलेवन उसमें क्या प्राइस चल रहा था उसमें क्या प्राइस चल रहा था इन क्वॉन्टिटी प्रोड्यूस्ड इंटू क्वान्टिटी प्रोड्यूस्ड वेराज जो नॉमिनल जी डी पी होता है, है उसमें क्या होता है जो करंट ईयर करंट ईयर में प्राइस चल रहा है इंटू क्वान्टिटी प्रोड्यूस्ड इंटू वॉट इंटू क्वान्टिटी प्रोड्यूस्ड तो करंट ईयर मतलब 2012 में मान लीजिए सो so, मान लीजिए एक कंट्री है जिसमें सिर्फ साइकिल्स बनती है एक कंट्री है जिसमें सिर्फ जो है साइकिल्स बनती है 2012 में एक साइकिल का प्राइस है ₹12 रुपे. 12 8 साइकिल बनी व्हाटएवर इज द प्राइस फिर 2013 में चले 2013 में ये प्राइस 15 हो गया 15 8 ठीक है ना आठ ही बनी इस साल भी ठीक है ना फिर उसके बाद 2017 में ये साइकिल का प्राइस ₹20 हो गया आठ हो सकता है क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाए सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हुए आप प्राइस क्या ले रहे हो रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हुए आप प्राइस वही लोगे जो बेस ईयर में था मान लीजिए बेस ईयर में ₹8 की एक साइकिल थी ठीक है ना सो so, जब मैं तेरा का फिगर निकालूंगी तो मैं प्राइस कौन सा लूंगी आठ रुपए था इन टू क्वानिटी प्रोड्यूस क्या है मान लीजिए दस साइकिल बनी हजार 2014 में चले मुझे रियल जीडीपी निकालनी है 2014 की तो मैं देखूंगी कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है मान लीजिए 12 मैं प्राइस क्या यूज करूंगी I'll use eight rupees only because what I'm doing is I'm calculating real GDP. Real GDP में आप price कौन सा लेते हो Price आप लेते हो जो base year में prevail कर रहा होता है Whereas nominal GDP में क्या होता है Nominal GDP में आप price कौन सा लेते हो जो current year में चल रहा हो होता है क्या आप इससे एक चीज derive कर पाए एक चीज समझ पाए क्या चीज़ समझ पाए कि जो nominal GDP calculate करते हैं उसमें आप देख रहे होंगे price में fluctuation है क्यों क्योंकि साल बर साल महंगाई बढ़ रही है तो जो नॉमिनल जीडीपी है वो क्या होती है बारह रुपए पंद्रह रुपए बीस रुपए की होगी कैलकुलेटिंग द रियल जी हम क्या करते हैं प्राइस को तो स्टेबल कर देते हैं प्राइस को क्या कर देते तो हमने आठ ही माना है अब हम देखते हैं कि सच में क्या क्वांटिटी प्रोड्यूस इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है ये एक so, ये एक एग्जांपल देखो। सो मान लीजिए बनती है इस देश में ठीक है? 2012 में वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन 10 था वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन 10 था प्राइस क्या था बेस ईयर में बीस रूपए सॉरी यस बीस तो जी तो कितना हो गया मेरा दो फिर 2015 आ गया वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हो गया 15. प्राइस कितना है मेरा बीस ही है तो मेरी जीडीपी इंक्रीज हो गई 2022 आया वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पंद्रह ही है प्राइस हो गया पच्चीस जीडीपी आ गई तीन सौ पचहत्तर आप कहोगे मैम तीन सौ पचहत्तर बढ़िया है मैम ये फिगर देख के तो लग रहा है भैया इंडिया ग्रो कर रही है इंडिया बराबर से ग्रो कर रही है बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ तो मैं बोलूंगी एक बार देखना जरा ये तीन फिगर कैसे आया

क्यों ताकि हमें क्लियर पिक्चर पता चल सके कि क्या प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से जीडीपी इंक्रीज हो रहा है या प्राइस में चेंजेस होने की वजह से जीडीपी इंक्रीज हो रहा है अगर ड्यू टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन जीडीपी का नंबर बढ़ा हुआ है दैट इज ऑफ नो यू यूज्ड टू अस हमें तो ये देखना है भाई एक्चुअल हमारे ओवर द इयर्स हमने प्रोडक्शन जो हमारी कैपेबिलिटीज है वो बढ़ाई है कि नहीं बढ़ाई है राइट right? चलिए तो ये हो गया रियल जी डी पी एंड नॉमिनल जी डी पी तो नॉमिनल जी डी पी में इन्फ्लेशन का एलिमेंट होता है रियल जी डी पी में नहीं होता है क्यों क्योंकि इसमें आप बेस प्राइस से ही हर चीज़ कैलकुलेट करते हो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज जी डी पी डिफ्लेटर जी डी पी डिफ्लेटर क्या होता है इन ये सबसे एक बहुत ही सुविधाजनक और सरल तरीका है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि ओवर द ईयर जो है इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी है ठीक है ना कैसे भाई ये गाड़ी जो है दो हज़ार बारह में थी छः लाख की ठीक है ये गाड़ी 2012 में थी छह लाख की 2023 में हो गई ये नौ लाख की ठीक है ना तो कितनी प्रतिशत महंगाई बढ़ी ठीक है ना तो नौ लाख माइनस छः लाख तीन लाख डिवाइडेड बाय सिक्स लाख इन टू हंड्रेड कितना आंसर आया फिफ्टी परसेंट

थ्री लाख डिवाइडेड बाई सिक्स लाख इन टू हंड्रेड इज फिफ्टी परसेंट तो महंगाई कितनी बढ़ गई पचास प्रतिशत जो है इट इंडिकेट्स दी प्राइज राइज ऑफ़ फिफ्टी परसेंट एंड हु इज दिस नोबल पर्सन हु इज स्टैंडिंग एयर आई थिंक यू शुड नो एंड यू डू नॉट नो गूगल की किस किस की तस्वीर लगी हुई है जो ये बोल रहा है भाई इट इंडिकेट्स दी प्राइज राइज ऑफ़ फिफ्टी परसेंट ठीक है चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अच्छा सो पोटेंशियल जीडीपी हमने देखा रियल जीडीपी डी पी नॉमिनल जी डी डिफ्लेटर जीडीपी डिफ्लेटर किस लिए यूज होता है सो दैट इन ऑर्डर टू गॉच कि भैया ओवर द इयर्स जो है पढ़ाई आ, पढ़ाई कितनी बढ़ी नहीं महंगाई कितनी बढ़ी है ठीक है पोटेंशियल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी में मेंस में भी मेंस में भी दो हजार दो हजार इक्कीस में क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज पोटेंशियल जीडीपी और क्या चीजें डिसाइड करती हैं एज टू व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द कंट्री ठीक है ना सो so, पोटेंशियल भाई पोटेंशियल जीडीपी तो कंफ्यूज भी हो रहे हो तो इस वे से सोचो तुम्हारा कितना पोटेंशियल है मैम मेरा पोटेंशियल है दस घंटे पढ़ने का लेकिन मैं अभी कितना पढ़वा रही हूँ छः घंटे क्यों क्योंकि हो सकता है कभी बीच में मम्मी आवाज़ दे देती है कभी लाइट चली जाती है कभी कोई घर में शादी भी आ जाता है बट मेरा पोटेंशियल क्या है मेरा पोटेंशियल इज टू स्ट्रेच फॉर टेन आवर्स अ डे

कि भाई सस्टेनेबिलिटी कितनी है टेक्नोलॉजी को हम कितने अच्छे से यूज कर रहे हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भाई कितने टाइट रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे पहले क्या था इफ यू सी अगर आपने एनसीआर टी मेरे साथ कवर करिए तो मैंने आपको बताया था कि जस्ट आफ्टर दी इंडिपेंडेंस हर चीज गवर्नमेंट के हाथ में थी हर चीज गवर्नमेंट कंट्रोल थी लाइसेंस राज था उस टाइम हर चीज के लिए परमिशन लेनी है फैक्ट्री खोलनी है फैक्ट्री बढ़ानी है फैक्ट्री बंद करनी है यू नीड लाइसेंस फॉर दैट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इतना टाइट था कि कोई इंडस्ट्री प्रोस्पर ही नहीं कर पाती थी क्या है कोई इंडस्ट्री जो है प्रॉस्पर ही नहीं कर पाती थी। करेंसी so, आपकी करंसी कितनी स्टेबल है पता चले आज एक डॉलर खरीदने के लिए मुझे जेब से सत्तर रुपए निकालने पड़ रहे हैं पता चले कल को ऐसा हो कि एक डॉलर खरीदने के लिए मुझे जेब से दो सौ रुपए निकालने पड़ रहे हैं हाउ डिफिकल्ट इज दैट

आपके जो आसपास की कंडीशंस है एक कंट्री में एक इकोनमी में एक आर्थिक व्यवस्था में वो ठीक नहीं होगी तब तक वो अपना मैक्सिमम नहीं अटेन कर पाएगा ठीक है सो विद दिस हमारा पोटेंशियल जी डी हो गया अभी तक हम जी डी पी जी बात कर रहे थे अभी हमने जी के सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए अब हम ये देखेंगे भाई जी को कैलकुलेट कैसे करते हैं तो आप कहोगे मैम अभी तो आपने बताया था कि भाई जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है एक साल में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी मनी वैल्यू को टोटल कर दो तो जीडीपी आ जाएगा बिल्कुल सही मुझे पता है आप लोगों को चीज़ें समझ आने लग गई है तो जी कैलकुलेट करने के बेसिकली तीन तरीके होते हैं तीन मेथड्स होते हैं ठीक है ना आ, जैसे आप मैथ्स में भी बहुत सारी चीज़ें देखते हो खैर मुझे कोई चीज़ एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा मैथ्स में कि कुछ रिमाइंडर निकालने का जो डिवीजन हम करते थे उसमें रिमाइंडर निकालने का कुछ एक फॉर्मूला होता था सिमिलरली इनफैक्ट मोर देन वन फॉर्मूला सिमिलरली जीडीपी कैलकुलेट करने के भी मल्टीपल मेथड्स होते हैं आर ठीक ठीक so, है? Product method है है, है, है ना? जो जो ये method ऐसा कहता है कि भाई जितना भी अच्छा प्रोडक्ट मेथड को फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू एडेड मेथड भी कहा जाता है ठीक है ना सो आई थिंक वैल्यू एडेड मेथड जब बोलूंगी तो आपको ज्यादा समझ आएगा वैल्यू एडेड मेथड ये कहता है कि हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन क्या थी भाई रॉ मटेरियल था फिर आप वर्क इन प्रोग्रेस फिर आप बन गए एक फाइनल गुड ठीक है ना तो हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे कितनी वैल्यू एड हो रही है उनको जब आप प्लस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई पूरे साल में कितनी वैल्यू एड हुई है पूरे साल में कितने वैल्यू के गुड्स बने हैं कितनी वैल्यू एड हुई है आपकी कंट्री में कैसे जैसे ये शुगर केन है जैसे ये क्या है शुगर केन है शुगर केन था बीस रुपए का ठीक है ना इस शुगर केन पे कुछ प्रोसेसिंग हुई ठीक है ना फैक्ट्री में ले जाके मशीनरी में इसको चर्न किया गया सुखाया गया कुछ केमिकल फॉर्मुला लगाया और ये कन्वर्ट हो गई चीनी में तो इसकी वैल्यू बढ़ गई ना है तो ये शुगर केन ही लेकिन हमने इस पे कुछ प्रोसेस एड किए थे दैट इज वाई ये जो शुगर केन है जब इसने शुगर का रूप लिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई इसकी वैल्यू हो गई पचास रुपए नेक्स्ट इफ यू सी दिस शुगर कुछ कुछ प्रोसेसिंग करी इसमें पचास रूपए की वैल्यू एड हो गई अगर यहाँ देखे इस शुगर केन में कुछ प्रोसेसिंग हुई और ये कन्वर्ट हो गया शुगर शुगर में तो कितनी वैल्यू एड हो गई तीस रुपये ठीक है तो ये जो वैल्यू एडेड मेथड है वो क्या कह रहा है भैया हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे जितनी वैल्यू ऐड हुई है ना उसको प्लस कर दो तो इस स्टेज पे कितनी हुई है दिस इज फर्स्ट स्टेज लेट मी राइट दैट फर्स्ट स्टेज दिस इज सेकंड स्टेज तो 30 50 तो आंसर आया 80 80 इज योर 80 इज योर जीडीपी क्यों क्योंकि हम वैल्यू एडेड मेथड से चल रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड पे हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे हर लेवल ऑफ यस uh, प्रोसेसिंग yes, पे कितनी वैल्यू ऐड हो रही है आप वो देखो एंड यू आर डन सो दिस इज वैल्यू एडेड मेथड ठीक है बस इतना ही कॉन्सेप्ट समझना है आपको नेक्स्ट होता है हमारा अच्छा ठीक है ये देखो एक बार तो आप क्या ये वैसे खैर कंफ्यूज करने के लिए मैंने लिखा था कि आपके अकॉर्डिंग इफ आई आस्क यू क्या कितनी वैल्यू ऐड हुई इज इट ट्वेंटी प्लस फिफ्टी प्लस हंड्रेड

ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है जो यूनिलेटरल पेमेंट्स थी लाइक स्कॉलरशिप लाइक ग्रांट इनेड कैपिटल गेंस कैपिटल गेंस क्या होता है देखो स्टूडेंट्स आपके पास कोई असेट है या इसको अभी आप छोड़ दो हम जब असेट के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तब बात करेंगे इसको छोड़ दो आप सो दीज थिंग रिमेन्स आउट ऑफ दी पर व्यू ऑफ वैल्यू एडेड मेथड नेक्स्ट मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड अच्छा इस एक्सपेंडिचर मेथड पे चलने से पहले एक चीज बताती हूँ आप लोगों को सो so, आप मान लीजिए आपकी लोकैलिटी है उस लोकेलिटी में टेन दस घर हैं ठीक है ना एक राशन की दुकान है एक राशन की दुकान है ठीक है ना ये दस के दस घर सारे इसी राशन की शॉप पे जाते हैं ठीक है ना अब मुझे पता चल मुझे पता करना है ये राशन की दुकान महीने का कितना बिजनेस कर लेती है ये राशन की दुकान जो है महीने का कितना कर लेती है ना ये तो बता ठीक तो है दूसरा तरीका होता है कि ये नहीं बता रहा है भाई ये नहीं बताना चाहता सिंपल सी बात है तो मैं दूसरा तरीका क्या पकड़ूंगी कोई बात नहीं तुम नहीं बता रहे मेरे पास और तरीका है निकालने का अप्रोक्स तुम कितने का बिजनेस कर लेते हो एक महीने में कैसे पता लगाऊंगी भाई ये दस ही घर है इस लोकेलिटी में और ये दस के दस इस दुकान पे जाके सामान खरीदते हैं ठीक है ना तो मैं इन दस घरों पे जाऊंगी मैं घर ए पे गई मैंने पूछा तो महीने का कितना सामान खरीद लेते हो उस दुकान से उसने बोला भाई दो हजार का फिर मैं बी हाउस होल्ड पे गई उसने बोला पच्चीस सौ रुपये तक का महीने का सामान खरीद लेती हूँ फिर मैं सी हाउस होल्ड में गई उसने बोला मैं तीन का ऐसे करते करते मैंने पूरी टेन हाउस की लिस्ट बना ली तो मुझे पता चला कि मैं जब पूरा क्लब कर रही हूँ अमाउंट तो आ रहा है पचास हजार रुपए

ये एक्सपेंडिचर कितना कर रही है सो द नेक्स्ट वे टू फाइंड आउट इज थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड कि पूरे साल में कुछ एंटिटीज जैसे कि गवर्नमेंट जैसे कि हाउस होल्ड जैसे कि फर्म्स वो कितना खर्चा कर रही हैं थ्रू आउट एन उसको प्लस कर दो विल गेट टू नो दी डी पी ऑफ कंट्री ठीक है ना सो एक्सपेंडिचर मेथड को क्या बोला जाता है टोटल आउटले मेथड भी बोला जाता है जैसे कि ये जो वैल्यू एडेड मेथड था उसको प्रोडक्ट मेथड भी बोला जाता है सिमिलरली ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है टोटल आउटले टोटल आउटले टोटल आउटफ्लो टोटल खर्चा कितना हुआ है दैट मेथड सो आई आल्सो कॉल्ड एस टोटल आउटले मेथड दिस मेथड लुक्स इनटू दी डिमांड साइड ऑफ दी प्रोडक्ट कितनी डिमांड थी उसको प्लस कर देंगे पता चल जाएगा देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर कौन कौन करता है एक खर्चा करता है हाउस होल्ड एक कंपनीज एंड गवर्नमेंट ठीक है ना सो इसमें कंपनी जो होता है इट इज सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स क्या है फॉर्मूला सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स नाउ वट डज दिस सी डिनोट्स

उसमें ऐड कर दो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा जिससे आपकी कोई इन्वेस्टमेंट क्रिएट हुई हो ठीक है ना पहले आपने दो खर्चे ऐड किए गवर्नमेंट का खर्चा पूरे साल का हाउस होल्ड का खर्चा पूरे साल का उसमें आप ऐड करोगे इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है पूरे साल में गवर्नमेंट प्लस हाउस होल्ड द्वारा ठीक है उसमें आप ऐड करोगे नेट एक्सपोर्ट्स तो एक्सपोर्ट पता है क्या होता है भाई यहाँ से सामान बना के हम दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं इम्पोर्ट क्या होता है बाहर की कंट्री में सामान बना उसको हम अपने यहाँ मंगवा रहे हैं net export? Net export export जो नेट बैलेंस आया इज नेट एक्सपोर्ट नेट इज वॉट नेट ऑफ कर दिया ना जितना मैंने खरीदा उसमें से जितना मैंने बेचा माइनस कर दो नेट बैलेंस आ जाएगा

इनकम 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 कितनी थी सारी प्लस कर दो आ जाएगा नहीं बता रहा तो तो एक्सपेंडिचर मेथड मेथड दूसरे तरीके से कान पकड़ लेंगे ठीक है है ना सो द लास्ट वे टू कैलकुलेट जितनी भी इनकम्स इनकम्स हुई कौन कौन सी कौन सी income को क्लासिफाई किया जाता तीन वो इसमें आएगा as,

मिलती है या कंसल्टेंसी चार्जेस मिलते हैं कंसल्टेंसी चार्जेस भाई उनकी इनकम हुई ना इनकम मेथड में क्या ऐड करोगे जब एक्सपेंडिचर मेथड में सारे एक्सपेंडिचर ऐड किए तो इनकम मेथड में क्या ऐड करोगे जितनी भी इनकम हुई है उन सबको प्लस कर दोगे सो so, आप कौन से फिगर पे आ जाओगे कौन से फिगर पे आ जाओगे नेशनल इनकम नहीं जीडीपी पे आओगे फिर जीडीपी में जो हमने एडजस्टमेंट किए थे कि भाई जीडीपी से जीएनपी पे कैसे जाना है फिर जीएनपी से एनएनपी पे कैसे जाना है ठीक है बस तो जीडीपी आ जाएगा तो आप नेशनल इनकम का फिगर भी खुद से निकाल लोगे तो ये तीन मेथड हो गए मेरे जीडीपी कैलकुलेट करने के लास्ट टॉपिक फॉर द डेज लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम भाई नेशनल इनकम है कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगी क्या लिमिटेशंस होंगी भाई नेशनल इनकम जो है का फिगर है इट फेल्स टू कैप्चर दी सोशल वेलफेयर मान लीजिए अह जीडीपी की कंट्री जीडीपी ऑफ अ कंट्री सालो साल बढ़ रही है um जैसे कि पहले थी 50 मिलियन uh, 50 मिलियन डॉलर्स

मुझे कैसे पता चल रहा है कि इसमें से कितना हॉस्पिटल्स बढ़े क्या एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ के नहीं, क्या सबको इक्वल राइट मिले या नहीं? वेलफेयर एलिमेंट क्यों क्योंकि जीडीपी का जो डेटा है इट जस्ट टॉक्स अबाउट क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ नॉट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ इसलिए जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा

वो बढ़ रहा है ग्लेशियर्स जो है पिघल रहे हैं, उसको मैं कैसे अकाउंट इन करूं? वो भी उससे भी तो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है कितने लोगों को अपना घर बिकॉज सी का लेवल बढ़ गया है लोगों को घर छोड़ छोड़ के जाना पड़ रहा है उसका हिसाब किताब कहाँ जोड़ू मैं क्या जीडीपी में आपने कहीं पे भी जीडीपी कैलकुलेट करने के हमने तीन मेथड्स देखे कहीं पे भी मैंने इस चीज़ को कैश इन किया था क्या कि जो वेदर की वजह से नुकसान हो रहा है या वेदर की वजह से खर्चा बढ़ रहा है या वेदर की क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं या कोविड आने की वजह से जो फैक्ट्रीज बंद हुई थी उसको कहीं ना कहीं लिया हुआ है क्या इसमें नहीं लिया हुआ है सो इट इग्नोर दी नेगेटिव बहुत सारी ऐसी होती है बहुत सारी ऐसी हैं जो अपना डेटा गवर्नमेंट को सबमिट नहीं करती है बिकॉज गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा नहीं होता है सो द लास्ट लिमिटेशन ऑफ नेशनल इनकम इज की देर इज डिफिकल्टी विद रिस्पेक्ट टू डेटा कलेक्शन